हाँ तो मेरे दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि अगर आप अपने WhatsApp का नोटिफिकेशन को बंद करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। अब चाहे वो आप अपना पूरा WhatsApp का जितना भी नोटिफिकेशन आता है सब बंद करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं, और अगर आपको किसी एक का नंबर को बंद करना है, आप चाहते हो कि किसी एक का, वो एक आपका कोई भी हो सकता है, हो सकती है, आप चाहते हो कि उसका जब भी मैसेज आए हमारा स्क्रीन पे वो मैसेज नहीं दिखे, तो वो मैसेज आपका स्क्रीन पे नहीं दिखेगा। आप जब भी अपना WhatsApp ओपन करेंगे तभी दिखेगा और तभी पता चलेगा कि उसका मैसेज आया है। तो वो सब आप कैसे कर सकते हैं, चलिए मैं वीडियो में बताता हूँ। तो अगर आपको भी इस वीडियो से थोड़ा सा भी मदद हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, इससे मुझे भी पता चलेगा कि जो बताया वो काम कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो अगर आप अपने WhatsApp का सब नोटिफिकेशन को बंद करना चाहते हो, मतलब कि कोई भी मैसेज करे आपका स्क्रीन पे नहीं दिखना चाहिए कि WhatsApp में मैसेज आया है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने फ़ोन के सेटिंग में आना पड़ेगा। पहले तो सेटिंग में आने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है और आपको आपके फ़ोन का ऐप्स मिलेगा, ठीक है, ऐप्स मैनेजमेंट या तो ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद ऐप लिस्ट पे आपके फ़ोन में जितने भी ऐप्स हैं वो सब यहाँ पे दिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, अपने WhatsApp पे आ जाना है, WhatsApp पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक मैनेज नोटिफिकेशन का सेटिंग मिलेगा, इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे ऊपर में जो अलाउ है इसको हम डिसेबल कर देंगे। इसको ऑफ़ करने के बाद हमारे WhatsApp पे जितना भी मैसेज आएगा वो जब ओपन करेंगे WhatsApp तभी दिखेगा, स्क्रीन पे नहीं दिखेगा। और अगर आपको किसी एक का मैसेज बंद करना है, आप चाहते हो कि किसी एक का, अब एक में आपका जो भी है उसका बंद करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, जिसका भी बंद करना है उसके WhatsApp पे आ जाना है, ठीक है। तो मान लो कि मैं अपना इस नंबर का WhatsApp का नोटिफिकेशन बंद करना चाहता हूँ, तो इसका जब भी मैसेज आएगा मेरे पास स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, ना ही नोटिफिकेशन आएगा इसका। तो इस पे आने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे ऊपर में फिर से आपको थ्री डॉट जो ऑप्शन मिलेगा इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे म्यूट नोटिफिकेशन का सेटिंग मिलेगा, म्यूट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको कितना देर के लिए बंद करना चाहते हो वो भी ऑप्शन मिलेगा, अगर आप 8 घंटा के लिए बंद करना चाहते हो तो इस पे 8 पे क्लिक करेंगे, और 1 हफ्ते के लिए तो 1 पे क्लिक करेंगे, और अगर हमेशा के लिए तो यहाँ ऑलवेज पे क्लिक रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे ओके क्लिक कर देना है, ठीक है, ओके कर देना है। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा ऑन। उसके बाद अगर कुछ भी मैसेज आएगा इस नंबर से तो हमारा नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो मैं अपने दूसरे फ़ोन से मैसेज करके दिखाता हूँ कि मैसेज नोटिफिकेशन आता है कि नहीं, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो मेरे मैसेज में कोई भी मैसेज नहीं है WhatsApp पे, तो मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं मैसेज कर रहा हूँ अपने दूसरे फ़ोन से, तो मैंने मैसेज कर दिया, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। अब मैं अपने WhatsApp को ओपन करता हूँ, देखता हूँ वहाँ पर मैसेज आया है कि नहीं। तो आप देख सकते हो ये मेरे WhatsApp पे मैसेज आ गया है, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आया, ना ही कुछ समझ आया कि जब हम WhatsApp ओपन करेंगे तभी ये मैसेज हमें दिखेगा। तो आप भी इस तरह से सेटिंग कर सकते हो, जिसका भी आपको बंद करना है उसका सेटिंग पे जाके उसको नोटिफिकेशन को म्यूट कर देना है, बस आपको इतना ही करना है, उसके बाद आपका नोटिफिकेशन बंद हो जाएगा। तो बस आज का जानकारी इतना ही था, मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, टाटा बाय बाय।